आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार लेकर इंदौर लौटे कलेक्टर मनीष सिंह ने चर्चा के दौरान पुरस्कार का श्रेय जिले के लोगों को दिया। वहीं उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में युवाओं की महती भूमिका रहती है। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले समय में यदि स्वच्छता की बात की जाए तो 3 मापदंड मुख्यतः है, जिसमें जमीन की साफ सफाई, पानी की साफ सफाई और हवा की साफ सफाई मुख्य पॉइंट्स है। वहीं जल संरक्षण में पानी का रिसाइकल और सदुपयोग मुख्य पॉइंट बताया गया है। कलेक्टर ने कहा कि युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। स्वच्छता में आज इंदौर नंबर 1 है, जहां इंदौर में बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कचरा गाड़ी में कचरा डालने के लिए टोका है, तो यह बहुत बड़ी बात है। शहर की जो युवा शक्ति है, कॉलेज और स्कूलों के जो युवा है जिन्होंने स्वच्छता अभियान में भाग लिया है, और कहा कि उम्मीद है जिले के लोगों का इस तरह से योगदान लगातार मिलता रहेगा और एक बार फिर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आएगा। यह बात इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने रेसिडेंसी क्लब में कही। प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं को जोड़ना जल संरक्षण के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। आने वाला सर हमारा क्या प्लान रहेगा सर यंगस्टर को जोड़ने के? आने वाले समय में अगर स्वच्छता की बात करते हैं तो 3 मापदंड रहते हैं। शहर जमीन की सफाई जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो इंदौर में कर ली गई है, पानी की क्लीनिनेस जो वाटर प्लस करके कर दी गई है, और हवा की सफाई जो चल रही है अभी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट वह है जो आपने बोला है कि पानी का संरक्षण, पानी का सदुपयोग, पानी की रिसाइकलिंग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है युवाओं, युवा शक्ति सबसे स्ट्रांग शक्ति होती है। आज स्वच्छता भी इंदौर में है, तो जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को टोका कि गाड़ी कचरा गाड़ी में ही कचरा डालें या बाहर ना फेंके कचरा, या जो हमारी युवा शक्ति है कॉलेज और स्कूल्स की, या जो कॉलेज पास आउट रहे हैं युवा शक्ति, उन्होंने जो स्वच्छता में पार्टिसिपेट किया, तो इसी शक्ति को उपयोग करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। और जल संरक्षण में वाटर बॉडीज़ का कंजर्वेशन, वाटर बॉडीज़ पर अतिक्रमण नहीं हो, वाटर बॉडीज़ गंदी नहीं हो, नए वाटर बॉडीज़ को क्रिएट करना, रिसाइकलिंग वाटर की और पानी का दुरुपयोग रोकना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक जल संरक्षण में एक अभियान के तौर पर की जाती हैं। चाहे पुष्कर समृद्धि योजना हो जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, चाहे अमृत सरोवर हम लोग नए तालाब बना रहे हैं 1 हेक्टेयर तक के साइज़ के, ये सारे वो हैं कि एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज़ को या नए वाटर बॉडीज़ को बनाना है और उसमें पानी का संरक्षण करना है। उसमें इसी प्रकार से शहर में जो ट्रीटेड वाटर आता है, बड़ा महंगा रहता है, ये 25 रुपये से ज़्यादा ही कीमत इसकी रहती होगी पर किलोलीटर ट्रीटेड वाटर की। इस पानी को भी संरक्षित वे में संरक्षण करते हुए और सदुपयोग करते हुए उपयोग करना, ये भी हर व्यक्ति को समझना चाहिए। कई जगह घरों में देखते हैं कि सुबह गाड़ी धोते हैं, पानी बाहर बहता रहता है, कई जगह नल चलते रहते हैं, कई जगह टोटी निकाल देते हैं घरों के सामने, और लोगों में ये अवेयरनेस नहीं रहती है कि टोटी रिप्लेस कर दें या पानी बंद कर दें, पानी आ रहा है तो लोग चलने देते हैं उसको। ये सब छोटी छोटी इशूज़ पे जो अवेयरनेस अगर लोगों में आ जाएगी, इससे जल का सही उपयोग होगा, उसका वेस्टेज बंद होगा, और महंगा जल है बहुत, और इसमें युवाओं की शक्ति का उपयोग करने की बात कही गई है। मेरे ख्याल से बहुत सही कदम है ये। बच्चों को, युवाओं को, जो भी एक पब्लिक अवेयरनेस की ड्राइव किसी फील्ड में हो, वाटर कंजर्वेशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आने वाले समय में देखते हुए।